This is an ABP Life podcast. अमेरिकी चुनाव एक ऐसा मसला है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी रहती हैं, क्योंकि बहुत ध्रुवीय होने की चर्चा भले ही कितनी भी हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी भी अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है और उसके चुनाव को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें वहां टिकी रहती हैं। अमेरिका में चुनाव की प्रक्रिया भी बहुत लंबी और बहुत खर्चीली है, लगभग एक साल तक चलता है यह पूरा मामला। इस साल नवंबर में होने वाला है चुनाव, लेकिन इसके पहले वहां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियां चलती हैं। उसके बाद डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन, जो फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने दुख भी जताया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की में इस तरह की बातों की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि इस पर एक दूसरा पक्ष भी है, और इस मसले के तमाम पक्षों पर और इससे अमेरिकी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, इन सारे मसलों पर बात करूंगा मैं व्यालोक। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं और खास तौर से ऐसे मसलों पर इनकी पैनी नजर रहती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद व्यालोक जी। कैसे देखते हैं एक सर्वशक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर, जो पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन पर गोलियां चल जाती हैं दिन दहाड़े। अमेरिका का निजाम ढीला पड़ गया है, अमेरिका में दिक्कतें बढ़ गई हैं, किस तरह से पहली बात क्या आप लोगों के जेहन में आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ होने के नाते? देखिए, ट्रंप पर जो पेंसिल्वानिया में चुनावी रैली के दौरान जो हमला हुआ वो काफी दुखद है, और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को शर्मसार करता है। पिछले कुछ दिनों से ही जो बाइडेन और ट्रंप में एक अलग ही तरीके का घमासान चल रहा है, और कई डिबेटों में ट्रंप बाइडेन पर भारी पड़ते हुए नजर आए, और उसी के मद्देनजर ट्रंप को क्रिटिसाइज करते हुए बाइडेन ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसकी वजह से रिपब्लिकन का कहना है कि जो ट्रंप पर हमला हुआ वो कहीं ना कहीं साजिश के तहत हुआ, क्योंकि बाइडेन ने बोला था कि ट्रंप हैव टू फेस बुलसाई, एंड जो हुआ कि एक इतनी सुरक्षा होने के बावजूद एक राइफलमैन अच्छी खासी राइफल लेके दूर से निशाना लगाता है, और ट्रंप की किस्मत अच्छी थी कि वो बाल बाल बच गए, लेकिन ये उनकी सुरक्षा की कमियों को भी उजागर करता है, कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी को उजागर करता है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद एक पूर्व राष्ट्रपति के पास तक वो राइफलमैन पहुंचा कैसे। हालांकि अगर आप अमेरिका का इतिहास भी खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा ये कोई पहला असासिनेशन का अटेम्प्ट नहीं है। अमेरिका के बड़े नेताओं पर या राष्ट्रपतियों पर या पूर्व राष्ट्रपतियों पर लगभग 15 के आसपास इस तरह के असासिनेशन अटेम्प्ट हुए हैं, जिसमें कई बार राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति को अपनी जान गंवानी भी पड़ी है। तो एक तरफ वो अमेरिका है जो पूरे विश्व को ये आईना दिखाता आया है कि वो विश्व की सबसे पुरानी प्रजातंत्र तांत्रिक मूल्यों को आगे लेकर चलने वाला देश है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी जहां भी कुछ इस तरह का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है, असैसिनेशन अटेम्प्ट होते हैं, तो अमेरिका बहुत बड़े आलोचक के रूप में उभर कर आता है, पूरे विश्व को आईना दिखाता है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको अपना इतिहास खंगालना चाहिए, और सोशल मीडिया के दौर पे इस तरह का हमला हुआ ये पहला है जिसमें चीजें आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है, इमोशंस बढ़ जाते हैं। तो जो बाइडेन पिछड़ रहे थे डिबेट में, कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारों में, कहीं ना कहीं ट्रंप के साथ सिंपथी लोगों की जुड़ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और जो बाइडेन के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा था, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है, वो भूलने लगे हैं, उनका अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं है, इधर उधर लड़खड़ाते रहते हैं,
तो उनके पार्टी के भी कई समर्थक, यहाँ तक कि उनका फाइनेंस मैनेज करने वाले जो क्लूनी साहब है, जॉर्ज क्लूनी, उन्होंने भी बोला कि आपको अब ग्रेसफुली हट जाना चाहिए, कोई नया कैंडिडेट आ जाए ताकि हम ये फाइट लड़ सके और क्या पता जीत जाए। वर्तमान हालात में उनकी हालत बहुत कमजोर थी और इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद तो मुझे लगता है और गड़बड़ होने वाली है। जरूरत है कि अमेरिका अब अपने गिरेबान में झांके, दूसरों को आईना दिखाने की बजाय कि प्रजातंत्र में किस प्रकार से चलना चाहिए। जी, आपने सहानुभूति की बात कही, ट्रंप के बढ़त की बात कही, इस पर मैं आपसे सवाल पूछना ही चाह रहा था, लेकिन एक चीज आपने गौर की होगी कि अमेरिकी मीडिया के बड़े बड़े नाम जो हैं वो झिझक रहे हैं इसको गोली, हमलावर, ये सब शब्दों का इस्तेमाल करने से, बल्कि कई तो इस दुखद घटना में भी ऐसे अजीब से शीर्षक उन्होंने दिए हैं कि जिस पर हंसी आती है कि धमाका सुनकर, धमाके को सुनकर ट्रंप लड़खड़ाए और उनको सीक्रेट सर्विस बाहर ले गया, या फिर मंच पर लड़खड़ाए ट्रंप, कहीं ना उसमें गोली का जिक्र है ना हमलावर का जिक्र है, जबकि हमलावर मारा जा चुका है। इसके पीछे कैसे देखते हैं इसको आप और दूसरे जो सिंपैथी की लहर है, लेकिन ट्रंप भी कई मुश्किलों में घिरे हैं, मुकदमे चल रहे हैं उन पर, अब अमेरिकी जनता का ऊंट किस करवट बैठेगा, कैसे देखते हैं आपको? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, जो अमेरिका की जो मीडिया है वो थोड़ा नोटोरियस है, इस तरह जो मैंने पहले ही बोला कि इस तरह के हमले अगर किसी और विश्व के देशों में होते या कई बार नॉन इश्यूज को भी वो लोग इश्यूज बना के पूरे दुनिया को अमेरिका की मीडिया आईना दिखाती हुई आती है कि भाई वहाँ आपके देश में प्रजातंत्र खतरे में है। सही मायने में तो अमेरिका में प्रजातंत्र खतरे में है और वो भी पिछले कई सालों से है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप हारे और उसके बाद कैपिटल हिल्स में जो भी घमासान हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। पिछले चुनाव के दौरान ब्लैक लाइव्स मैटर को लेके जो अमेरिका में जो धरना प्रदर्शन हुआ और ब्लैक्स को जिस तरह से प्रताड़ना का सामना करना पड़ा वो भी किसी से छुपा नहीं है। हालांकि अमेरिका की मीडिया ने उसको भी डाउन प्ले करने की कोशिश की गई। अमेरिका में गन कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अमेरिका में असहिष्णुता बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो दूसरे कल्चर के लोगों को देखना नहीं चाहते हैं। एक तरफ उन्होंने पोर्ट्रे किया कि अमेरिका जो है सपनों की दुनिया है, लेकिन अब वो सपना कहीं ना कहीं टूट चुका है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी फैसला है, जिस प्रकार से अमेरिका की साख गिरती आ रही है, क्योंकि वो बड़े डिसीजन लेने में अब असक्षम हो चुका है, चाहे इसराइल हमास की बात करें या रशिया यूक्रेन की बात करें या कई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, वो अब एक पिछलग्गू राष्ट्र की भूमिका में आ गया है। उनकी नैरेटिव सेटिंग मशीनरी है, चाहे वो मीडिया हो गया या उनका जो पूरा हॉलीवुड है जो दिखाता है कि पूरी दुनिया खतरे में है और सिर्फ अमेरिका ही उनको बचा सकता है, तो मुझे लगता है इस तरह के लगातार अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय स्तर गिरने के बाद अभी भी वो संभल नहीं रहे हैं, वो पचा नहीं पा रहे हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका के साथ क्या होना चाहिए। तो इसलिए वो बस दबी जुबान से इस इशू को दबा देना चाहते हैं कि कोई कुछ ना बोले। ना तो वो ये बोल रहे हैं कि इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, लेकिन उनको पता है कि इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं है। तो अमेरिका का समाज, वहां की पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के प्रति इंटॉलरेंट होती जा रही है, ये उसका एक प्रतीक है। प्रजातंत्र में वाद विवाद, डिबेट और डायलॉग के माध्यम से हम एक दूसरे के जो इश्यूज है वो सुलझा सकते हैं, एक साथ बैठ के कर सकते हैं। हिंसा का प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है। मुझे लगता है अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत है। अमेरिका जो कि क्लेम करता है कि वो पुराना है, लेकिन ऐसा नहीं है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया है। भारत में पिछले कई सालों से प्रजातांत्रिक मूल्य हमेशा आगे रहे हैं और 1947 के बाद हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और बड़ी ही आसानी से सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है, विपक्ष को भी बिल्कुल सही स्थान मिलता है।
वो भी सरकार को घेरता है, बहुत हॉट डिबेट होती है, लेकिन इस तरह की स्थितियां नहीं आती जो अमेरिका में कई बार है। ये 15वां अटेम्प्ट है असैसिनेशन का। मुझे लगता है अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए, और जो अमेरिका की न्यूज एजेंसीज है उनको भी नमक मिर्च लगाने के अलावा अपने देश की सही रिपोर्टिंग करनी चाहिए, जनता को बताना चाहिए। सिंपथी की लहर किस करवट बैठेगी वो अभी देखा जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव नवंबर में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है। अगर बाइडन को बदला नहीं गया तो ट्रंप के फेवर में ये सारी चीजें जाएंगी, इसलिए बाइडन को अब ग्रेसफुली हट जाना चाहिए इस फेज से और किसी और डेमोक्रेट कैंडिडेट को आगे लाना चाहिए, वो ही ट्रंप को टक्कर दे पाएगा। डिस्पाइट बहुत सारे केस चल रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ केसेस में पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, तो यानी डिपेंड करता है। फिर भी अभी दोनों ही कैंडिडेट हैं, बाइडन और ट्रंप। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। This is an ABP Life podcast.